हेलो फ्रेंड्स, ये कल की हलचल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिर से खेलने वाले हैं इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D। तो आज हम लोग फिर से अपने मिथ्स को बस्ट या कन्फर्म करने वाले हैं। तो जिसने भी जाके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि फर्स्ट मिथ है कि जो कि हम लोग पिछली वाली वीडियो में करने जा रहे थे, जो कि हुआ नहीं था, हमसे पता नहीं कौन सी दिक्कत आ गई थी, बट हमसे वो हुआ नहीं है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि क्या हम लोग अब ये वाला ट्राई करने की कोशिश करें, वो वाला ग्लिच अगर हो जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। वैन हम लोग ट्राई करने वाले हैं, पोस्ट राइडर बाइक को स्पॉन करना, जो कि 555 से आती है। जैसे ही आप लोग इसको स्पॉन कर दोगे, आराम से स्पॉन करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और आराम से यहाँ पे फिर से एक स्पॉन करो जिसका नेम है ट्रोन बाइक, जो कि है 6000 से आती है। सबके चीट कोड मैं बता रहा हूँ, ओके 6000 से आ रही है, यह है ट्रोन बाइक। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इन्फिनिटी हेल्थ का चीट कोड शायद मेरे हिसाब से लगाना है, रुको 9129, ये मैंने लगाया इन्फिनिटी हेल्थ का चीट कोड। तो जैसे मैंने लगाया, अब मैं लगाता हूँ, अब मैं नाइट मोड करने वाला हूँ। पता नहीं ये नाइट मोड में भी होता है, पता नहीं क्या चीज़ है ये, अब मुझे नहीं पता। 9 मैंने डाल दिया, ये लगा दी मैंने नाइट मोड, ये हो गया हमारा काम ख़त्म। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस ड्रोन बाइक के ऊपर बैठना है, जो कि अपनी रात में चमक रही है, बढ़िया। और रात में देखो भाई साहब, यहीं पे मैं खड़ा था और अंदर लाइटें चालू हो गई हैं, क्या यार अंदर जाने का कोई रास्ता बताओ यार, ये गलत है यार। यार लाइट्स ऑन हो गई हैं, बट यार हम लोग घर के अंदर, अपने घर के अंदर जा सकते हैं, वो भी साला भूतिया बंगला, बट इनके अंदर कैसे जाएंगे? जुगाड़ बनाओ भाई, कौन है अंदर, लाइट बहुत जल रही है। कोई ना यार, हमारे मित की और ट्रांसफ़र होते हैं हम लोग, 1 2 3 भाई, अब हो जाए यार, अब बार बार नहीं आ रहा यार। हो गया, उतर जा। अरे यार नो, भाई साहब ये वाला मिथ नहीं हुआ, CCTV कैमरे वाला मिथ साला बहन हो ही नहीं रहा है भाई। मैं बहुत करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट इट इज़ नॉट अवेलेबल। पता नहीं कौन सा ग्लिच साला होते हैं यार, तब से लगा पड़ा हूँ साले। हो जा यार, कोई ना यार, अब क्या करूँ, एक बार और ट्राई करूँगा, इसके बाद बताएं, या फिर ये अपडेट में हो गया। मैंने यार देखी थी, और मेरे सबसे जो मैंने ग्लिच देखा था, शायद पुराना हो सकता है, क्योंकि अब अपडेट्स आ गए हैं, तो शायद सही ना कर दिया हो। कोई दूसरी बाइक से ट्राई करें, क्या करें, चलो कोई दूसरी बाइक से ट्राई करते हैं। भैंस की टांग, ये ले बेटा, ये ले, ये अपनी अच्छी वाली बाइक है, ये बढ़िया चीज़ है यार। साले भैंस की टांग, ये बाइक के ऊपर बैठने वाला ऑप्शन ही हट गया, ये बढ़िया है, बहुत बढ़िया भैंस की टांग। भाई उस मिथ में ज़्यादा टाइम कोटिंग नहीं करते हैं, तो आप लोग, जो आप लोगों को अगर पता होगा तो बताना, कि शायद वो फिक्स हो गया होगा अपडेट में, बट उसको मैं कंफर्म करके रहूँगा, भैंस की टांग, भले अगली वीडियो या उससे अगली सारी पूरी वीडियो उसी मिथ पे बनानी पड़ जाए, कंफर्म करके रहेंगे भले कुछ हो जाए। तो हम लोग चलते अपने नेक्स्ट मिथ पे, तो चिंता मत कर बेटा, तेरा भी दिन आएगा, अभी दूसरों का दिन है ना। नेक्स्ट मिथ है कि अगर अपने 2-2-2 डायल करके जो बाइक आएगी उसके, उसको जैसे ही उल्टा करके उसके ऊपर बैठने की कोशिश करोगे, उसके बैठो, तो भाई साहब तो ये थोड़ा पल्ले नहीं पड़ा है, पर एक बार ट्राई तो मारता है, 4 बार 2 डालना है, ठीक है भाई। 4 बार 2 से क्या चीज़ आती है, रुको, आता तो है कुछ ना कुछ, तो आता है इतना तो मुझे पता है। ये ओ ATV आ गई, ATV को कहा था भाई ने उल्टा करके, ओके, मुझे ऐसा लगता है कि इसको हम लोग उल्टा नहीं कर सकते, क्योंकि मैं इसको जितनी जोर भगा दूँ, जितनी जोर इसको भगा के मोड़ दूँ ना, तो ये पलटती नहीं है भाई, ये वाली बाइक नहीं पलटती है। मैं आपको एक बार डेमो दिखाता हूँ, ये देखो फुल स्पीड में मैं जा रहा हूँ, बिल्कुल सीधा, और मैं सीधा जा रहा हूँ, देखते रहना अभी, ओके फुल स्पीड में मैं सीधा जा रहा हूँ, अब मैं मोड़ने वाला हूँ, देख लेना अभी आप, ये देखो इसको, ओ पलट गई भाई, बहुत स्पीड में अगर तुम लेके जाओ तो ये पलट जाती है, बट इसको हम लोग कोई कार से, किसी से ठोक के इसको पलटा नहीं सकते क्या? रुको, इसको मैं कोई कार मंगाता हूँ, उससे उससे चलो 1990 से मंगवाते हैं, अपनी खतरनाक महिंद्रा थार तो इसको पलटा देगी, उल्टा कर दे बस, उसके ऊपर बाद में उनको बैठने की कोशिश करनी है। भाई मुझे नहीं लगता कि इसको उल्टा कर पाएगी अपनी महिंद्रा थार, खुद ना पलट जाए, बस इतना डर है मुझे, बस एक बार हो जाए, बस काम हो जाए। ओ पलट गई, बस हो गया काम, ओ पलट गई भाई, सीधी क्यों हो गई भाई, अभी पलट गई थी, ओ हो गया काम,
ओ बैस की टांग, बस थोड़ा है बस, वंस मोर बेबी। ऐसा मैंने बहुत सारी मेहनत कर दी और महिंद्रा थार को हटाया नहीं, अगर मैं हटाता ना तो ये अपने आप सीधी हो जाती है। ओके अब इसका ऑप्शन आ रहा, मैं बैठने की कोशिश करता हूँ, देखते क्या होता है। ओ भैंस की टांग हो, ओ बंदा दो बंदा, देखो भाई कैसे बैठ गया, वाओ भाई वो देखना तुमने बैठने की पोजीशन देखी थी कि जैसे बंदा कैसे बैठा था हमारा। अरे वाह शेर वाह शेर वाह, मजा आ गया यार, मजा आ गया, वाओ। तो भाई हमारी एटीपी यहीं पे है, थार भी यहीं पे है, और चल क्या रहा है भाई, व्हाट इज दिस, कौन चला रहा है भाई, वो गाड़ी चल रही है क्या, अपनी स्क्रीन बहुत वो हिल रही है, क्या बात है, भूकंप आ गया, पैडल चला रहा है, पैडल चला रहा है ये, लगता है जैसे हम पानी में नहीं बैठे, पानी वाली बोट चलाते हैं पैड से, वही माहौल आ रहा है। ओ स्पीड भी बढ़ा सकता हूँ, अरे वाह शेर, हम लोग इसकी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, वाह भाई, ये तो भाई ये तो क्रेजी है यार, ये क्रेजी चीज़ है यार, ये चीज़ बहुत अच्छी है मुझे लगी है। तो ये वाला मिथ बिल्कुल कन्फर्म है, अगर मैं अब क्या करूँगा भैंस की टांग, अगर मैं बैठ भी नहीं सकता, रुक जा, ओ वो रुकी क्यों नहीं, अब मैं किसी बाइक के अंदर अब मैं बैठ भी नहीं सकता, ये देखो, ओ इनविज, ये तो साला बीच से गाड़ी निकल रही है, मतलब कि हम उसे गेम को बैक करना पड़ेगा, अब मैं गाड़ी के अंदर नहीं बैठ सकता, तो मैं अब बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, एफ दबा रहा हूँ तो भैंस की टांग, कुछ नहीं हो रहा। तो ये वाला मिथ बिल्कुल कन्फर्म है, निकलते अपने नेक्स्ट मिथ पे। ओके गाइस, तो हमारा नेक्स्ट मिथ है कि ट्रेन के पास जाकर एटीवी बाइक को उसके पास लगा ट्रेन के ऊपर बैठ कर बंदा चलेगा एटीवी बाइक। अरे वाह शेर वाह शेर, सबसे पहले मैं आ गया हूँ ट्रेन के पास, तो अब सबसे पहले क्या करना है, अरे वाह शेर क्या भाई साहब, भारत का झंडा, वाह, इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D, बाइक्स ड्राइविंग 3D 222, ये आ गई हमारी एटीवी, लॉन्च हो जा, बस 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 बेटा आराम से, छोटी सी है ट्रेन का क्या बिगाड़ेगी, बट हाँ दोनों को एक साथ बिठालते हैं। ऑप्शन ट्रेन का ऑप्शन आ रहा है, एटीवी का ऑप्शन साला भैंस की टांग दूर दूर से ना आ रहा, एटीवी किधर से बैठूंगा मैं, दोनों के ऑप्शन सेम आ जाए, बस आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए, बैठो भाई, बैठ गया ट्रेन के अंदर, ऐ भाई साहब मैं ट्रेन के अंदर बैठा हूँ तो कैमरा मोड मेरा एटीवी का दिखा रहा है, बट मैं पीछे करूँ, ओ भैंस की टांग, मैं ट्रेन के अंदर बैठा हूँ भाई, लिटरली गाइस मैं ट्रेन के अंदर बैठा हूँ, और देखो बंदा दिख रहा है ट्रेन के अंदर क्या, ओ दिख रहा है भाई, बंदा ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, ओ थोड़ा कैमरा मोड इसका हटा, ओ एक ये कैमरा मोड एक ये है, वाओ ये है भाई अपना इनविजिबल ग्लिच, जो कि मैं आराम से अपनी एटीवी को ड्राइव कर रहा हूँ, क्रेजी भाई, ये देखो भाई इसका हैंडल मोड कौन रहा है, मैं मोड़ रहा हूँ, बंदा कहाँ पे है, बंदा पता नहीं भाई, मोड़ अमीर है, वाओ भाई एक इसको चलाने में तो अलग फील आ रही है, मतलब कि समझ, जब बंदा ऊपर नहीं बैठा होता था ना तो एक अलग ही फील आती है, अगर मैं नीचे उतरने की कोशिश करूं, ओ ट्रेन से पार, वही ट्रेन, बंदा तो वहां पे बैठा था उधर से उड़ के इधर आ गया, क्या 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 ग्लिच है भाई गेम में, भैंस की टांग, कोई इस गेम को ऐसे खेलते ही ना, ग्लिच के लिए खेलते हैं लोग, वाओ भाई गेम ऐसे खेलने में मजा ना है, इसको ग्लिच को बस्ट या कंफर्म करने में तो अलग ही मजा आवे भैया, भाई साहब वाओ, एटीवी वो देखो बंदा, ये देखो अभी मैं वहाँ पे था ये कन्फर्म है मिथ, क्रेजी मिथ, कन्फर्म मिथ, निकलते अपने नेक्स्ट मिथ, अपना नेक्स्ट मिथ है भैया, सबको हंसी आएगी थोड़ा सा, ठीक है 1990 थार आ जाएगी, अरे 1990 से थार नहीं, थार की बारात आएगी अभी देखना, तो 1990 से रुको देखते हैं क्या आता, मुझे खुद को नहीं पता, अरे बाबा ये तो थारी आई, बारात कहाँ गई, ओ सॉरी थारी यानी थी, मैंने सोचा 1990 डबल बार डाल देते तो बारात आ जाती, सच बता रहा हूँ, एक बार डाल के देखो, 1990 से थार आ जाएगी, और चीज़ें बताऊँ, ऐसे कलर चेंज हो जाएगा, ये देखो ब्लैक हो गई, ये देखो ग्लिच लग गया, एक और नया ग्लिच लग गया, देखो खतरनाक वाला मिथ, बढ़िया था यार, जो भी कहो हंसी मजाक के लिए मिथ बहुत ही बढ़िया था, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो इसी बात के लिए, तो हम लोग निकलते अपने नेक्स्ट बात के लिए, अपना
अपना नाइट मोड वाला मिथ है भाई, नाइट मोड को ऑन करके कोई सी भी गन लगातार फायर करते एक गाड़ी में बैठ के उतर जाओ, जल्दी से उस गन को ले लो, फिर देखो कमाल। ओके नाइट मोड कर लेते हैं सबसे पहले। हम करेंगे, ज़रूर करेंगे भाई, डरने की कोई बात ही ना है। तो ये भाई नाइट मोड भी कईयों को नहीं पता होगा, 9 से आवे, ये देखो नाइट मोड आ गया। कार तो बहुत जा रही है अपनी, थार है तो फिर कहाँ जाने की ज़रूरत भाई, जब हमारे पास हमारा खुद का वाहन है तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो हम सबसे पहले एक ले लेते हैं गन को, जो कि मैं गन ले लेता हूँ अपनी AK, तो इसको लगातार फायर करना है। ओके तो मैं इसको लगातार फायर कर लेता हूँ, थोड़ा मज़ा लेते हैं थोड़ा। ओके थोड़ा साइड हो जाइए हम, ये बात, अब इसको आराम से फायर करने देते हैं और हम थोड़ा सो लेते हैं। ठीक है बेटा, अब आराम से तुम फायर करो, ठीक है फायर कर लो, कर लो, कर लो। सब मैं फायर बहुत देर से कर रहा हूँ, लगातार फायर कर रहा हूँ, लगातार फायर कर रहा हूँ, लगातार फायर कर रहा हूँ, और मैं फायर करते करते गाड़ी में बैठने वाला हूँ। ये बैठा गाड़ी में, फिर नीचे उतरा, फिर से मैंने उसी गन को ले लिया। ओ भाई साहब, ये क्या है भाई साहब, ये तो ग्लिच अलग ही है। और ये देखो गन, मैंने लगातार फायर कर रहा तो अभी भी गन की गोली एक जगह पे रुकी पड़ी है, टाइम थम गया है, सब कुछ रुक गया है। बट वो भैंस की टांग लाल वाली गाड़ी चल क्यों रही है, ए रुक जा भैंस की टांग। पर भाई साहब हमारी गन देखो, गोली रुकी पड़ी है और नीचे येलो रंग की शेडो आ रही है, लाइट पड़ रही है। मैं इसको अपनी टॉर्च के मामले में यूज़ कर सकता हूँ रात को। ये देखो इस गन को ले लो, रात में टॉर्च जलाओ कसके। मैं एक चीज़ और करने वाला हूँ, एक बार इसको रख देता हूँ, ठीक है एक बार इसको मैंने, अरे बेटे 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 ना ऐसे नहीं करते यार, इसको मैं रख देता हूँ ठीक है। अब मैं फिर से इसी गन को लेता हूँ, आओ अभी मेरे को रॉकेट लॉन्चर को, और रॉकेट लॉन्चर अभी नहीं हुआ, पर रॉकेट लॉन्चर से एक दिक्कत हो गई है, गया मैं, बच गया भाई। रॉकेट लॉन्चर अब अपने आप चल रहा है, तो ये वाला ग्लिच है जो कि इस गेम में अब आ गया है, ये मेरे साथ पहले भी हो चुका है। तो इसमें रॉकेट लॉन्चर खुद चलता है, मैं हाँ कुछ भी नहीं कर रहा। तो भाई मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ, इसको लगातार चलने दो इसे लगातार चलने दो भाई। यहाँ पे एक कोई गाड़ी मिल जाए यार, ये फाड़ दी मैंने खुद की गाड़ी। रुको इसको मैं रखता हूँ और एकदम से फिर से ले लेता हूँ भाई। गाड़ी लेनी पड़ेगी, ऐसे कुछ ना होने वाला, गाड़ी लेनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं एक गाड़ी उठाता हूँ, ले भैया सबसे महंगी गाड़ी अपनी तिजोरी से निकाल रहे हैं, मस्टैंग्स दी टी ब्रो, ठीक है। अब आराम से ये लेता हूँ, ये ले भाज धाम मजे लगाने चालू कर दे बेट। हट गया ग्लिच, ठीक है इसको तोड़ते हैं हम, थोड़ा फायर करते हैं फिर बैठते हैं। सब बहुत सारे मैंने दाग रहा हूँ, मैं रुक नहीं रहा, ले लैम्बो को उड़ा देता हूँ, ले गई लैम्बो। अरे वाह यार, इतनी महंगी गाड़ी को उड़ा दिया, चिंता मत करो यार, निकलती रहती हजारों गाड़ी लैम्बो निकलती है अपनी सिटी में। अब मैं बैठने वाला हूँ, बैठ गया, अब नीचे उतर, फिर से ले लाइट कर यार। ये गन के साथ होता है यार, इसके साथ भी एक बार हो चुका है मेरे साथ, रॉकेट लॉन्चर के साथ, बट अभी नहीं होता ना, वो मजे में होता है। बट हाँ गन के साथ तो भाई अलग ही लेवल का मजा था। वाला मिथ बिल्कुल कंफर्म है, निकलते अपने नेक्स्ट मिथ पे। सब्सक्राइब। तब अपना एक नेक्स्ट मिथ है जो कि हम लोग खुद ही, मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि भाई मैं ट्राई करता रहता हूँ, लास्ट में भाई मेरा खुद का मिथ होता है जो कि अलग ही होता है। हमें सबसे पहले हेलीकॉप्टर ले लेता हूँ, आपको आप भी ले लेना, मजे लेना, ठीक है। ये हेलीकॉप्टर है, इसके अंदर बैठना है, बैठ जा भैया इसकी टांग साले, बैठ जा, ठीक है। बहुत मजिया, बहुत मस्त लग रहा है भाई मुझे। एक बिल्डिंग के ऊपर उतरना है सबसे पहले, ये बिल्डिंग सही लग रही है, बट इसकी भी ऊँचे जाना है यार मुझे और ऊँचा जाना है, भैंस की टांग लड़ना जी यू। ऑल राइट गाइस, ये आ गया मैं इस बिल्डिंग के ऊपर, वाओ मैं हेलीकॉप्टर भी अच्छे से लैंडिंग करवा ली है, वाओ। तो ये है हमारी सिटी जो कि हमारी रात में लगती है, थोड़ा आपको सिटी दिखाता हूँ, वाओ ये देखो, ये मैं बहुत ही ऊपर हूँ, नीचे देखो भाई ये विलेजर्स के घर हैं, भैंस की टांग बहुत ही नीचे हैं यार। और देखो हमारा यहाँ पे क्या नाम है, यहाँ पे हमारा जुरासिक पार्क है, ये साले आधे पेड़ गायब हो जाते हैं रात को, आधे दिख रहे हैं। बट ये देखो रेलवे स्टेशन, वो देखो भाई साहब, वो पानी लग ही नहीं रहा, वो तो अलग ही सीन के लेवल लग रहे हैं। और ऊपर देखो, वाह क्या लग रहा है भाई, बहुत ऊपर हो, सबसे ऊंची बिल्डिंग पे खड़ा हूँ मैं इस टाइम। वो देखो हमारा कार शोरूम,
ट्रैक्स बिल्कुल अलग अलग अपनी अलग ही जगह पे वो है, उसका कोई लेना देना नहीं है अपनी सिटी से। और अब मैं यहाँ पे एक मिथ देखने वाला हूँ, मैंने शायद इन्फिनिटी हेल्थ लगाई है कि नहीं मुझे नहीं पता। अब मैं गिरने वाला हूँ नीचे। ए ए ए ए ए ए भाई साहब, कितनी ऊपर था मैं? भाई खत्म हो गया मैं, खत्म हो गया सच में। साले इन्फिनिटी हेल्थ नहीं लगाओगे तो यही तो होगा फिर, और क्या होगा। ये था हमारा मिथ, जितनी ऊपर जाओ बिल्डिंग्स के ऊपर हेलीकॉप्टर को लोग लेके और नीचे गिरो, खत्म हो जाओ। वर्ड होगा लाइक करना भी, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट्स करके अपने उम्मीद दे सकते हो क्रेजी और धमाल और फनी, जिससे कि हम लोगों को भी मज़ा आए और आपको अपने आप पे खुद के भी देखने को भी मज़ा आए, क्योंकि हम लोग तुम जिसी के भी मिथ दो उसी को हंसा देंगे अलग ही तरीके से, बस तुम मिथ दो। तो मैंने हम लोग मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय।